Now, the space complexity of recursive algorithm. The space complexity of recursive algorithms. Recursive algorithms. So, let's first we are considering this example. This example is for factorial of a number. एक नंबर का फैक्टोरियल का ये प्रोग्राम है, तो इसका मैंने आइटरेटिव वर्जन पहले भी लिखा था, उसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाली थी, रिकर्सिव वर्जन भी लिखा था, उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली थी, नाउ इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी। तो अगर ये पूछा जाए कि क्या ये ऐसे ही रहा होगा, तो ये ऐसे नहीं रहा होगा, एक्चुअल में इसके लिए भी मेन ऐसे करके लिखा गया होगा। तो मैं सपोज करो यहाँ से कहता हूँ int n, और ये n का इनपुट n का यहीं से ले लो, और क्या कहो fact n ये कॉल कर लो, और यहाँ से सपोज करो मैं ऐसे करता हूँ, मैंने k में एक स्टोर भी करा लिया है और इसको रिटर्न भी कराया है, तो रिटर्न होके पूरी वैल्यू किस में आ जाएगी, k में आ जाएगी, आप चाहो तो प्रिंट करा लो। तो देखते हैं अब कैसे इसको करेंगे, कैसे इसको हैंडल करेंगे। तो कहता है जितनी भी रिकर्सिव एल्गोरिथम्स होती हैं, जितनी भी रिकर्सिव एल्गोरिथम होती हैं वो क्या करती हैं, उनका एग्जीक्यूशन स्टैक में चलता है। एज सून एज अ रिकर्सिव फंक्शन इज कॉल्ड, एन इम्प्लिसिट स्टैक विल बी क्रिएटेड इन द मेमोरी, and that stack will maintain the call history of that recursive function. Means कि जैसे ही आपने fact n को call किया, तुरंत एक stack create हो जाएगी implicitly, automatically, और वो क्या करेगी recursive call, जैसे आपने fact 5, उसके बाद fact 4, उसके बाद fact 3, उसके बाद fact 2, ये call की history को maintain करेगी। क्यों कॉल को हिस्ट्री की मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है वो भी अभी मैं समझा दूंगा। तो अब यहां पर देखते हैं कि रिकर्सिव कोड की टाइम कॉम्प्लेक्स सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर अगर आपको कभी भी किसी रिकर्सिव कोड की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने को कहा जाए, तो आप क्या करो, रिकर्सिव एल्गोरिथम या फंक्शन में यहां पर कोई आर्ग्यूमेंट हो, जो भी ये आर्ग्यूमेंट है, इस आर्ग्यूमेंट के किसी कांस्टेंट वैल्यू के लिए एग्जीक्यूट करा के कुछ इस तरह से करो। मैंने कहा लेट n इक्वल टू 4, n को फिर 4 का, तो ये क्या हो गया अंदर पूरा, ये बन गया फैक्ट 4, ये फैक्ट 4 बन गया। अब मैं फैक्ट 4 को फैक्ट 4 ना कह के कहूंगा f 4, आप इस ये भी कह सकते हो। मैंने ये क्यों कह दिया, क्योंकि बार बार मुझे ये लिखना पड़ेगा, तो F लिखने में थोड़ा इज रहेगा। तो अब देखो क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने कहा कॉल क्या हुई थी F 4 की, यहाँ कंपेयर करेगा क्या 4 इक्वल टू 0, नो, एंड देयर फोर यहाँ जाएगा, क्या कहेगा n इंटू फैक्ट n माइनस 1, n क्या है 4, तो यहाँ से क्या जाएगा 4 इंटू f ऑफ 3, ऐसे ही 3 इंटू f ऑफ 2, ऐसे ही 2 इंटू f ऑफ 1, और ऐसे ही 1 इंटू f ऑफ 0। जैसे ही f ऑफ 0 की कॉल होगी, यहां 0 आएगा, 0 इक्वल टू 0, और रिटर्न कर देगा ये 1, और प्रोग्राम टर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। तो अब देखते हैं कि कैसे ये स्टोरी क्या हो रही है। मैं बोल रहा हूं कि जो ये इस तरह का एक फोटो बन गया है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं ट्री। अब ये तो हो गया सॉल्व कर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का एक तरीका, एक्चुअल में ये स्टैक में कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है, एक्चुअल में स्टैक में ये एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है वो देखते हैं। तो कहता है सपोज करो कि इस तरह से कोई स्टैक बनी हुई है, स्टैक इस तरह से कुछ बनी हुई है। अब देखना यहां पर, और इस यहां पर क्या हुआ, यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, इस ट्री को ट्रैवर्स करने जा रहे हैं।
इस ट्री को ट्रैवर्स करने जा रहे हैं, और ट्रैवर्स करने का रूल क्या होगा वो मैं बता देता हूं। ट्रैवर्स करने का रूल क्या होगा, ट्रैवर्स द ट्री इन, ट्रैवर्स द ट्री इन प्री ऑर्डर, ट्रैवर्स द ट्री इन प्री ऑर्डर। इफ फंक्शन कॉल देन पुश इट इनटू स्टैक, अदरवाइज अदरवाइज प्रोसेस इट, अदरवाइज प्रोसेस इट। तो अब प्री ऑर्डर सिखाना पड़ेगा इसके लिए। तो प्री ऑर्डर के लिए क्या करते हैं, जिस जो भी ये नोड हो, जैसे इनको आप नोड कह रहे हो, ट्री के ये नोड हैं, तो क्या करो हर नोड के इस साइड में एक इस तरह को ये लाइन खींच दो, हर जगह पर खींच दिया। अब आप मूव करो, जस्ट जो लाइन कटती जाएगी वो ट्रेवर्सिंग हो रही है, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सिंग हो रही है। जैसे इसने कहा F4 कट रहा, कह रहा F4 क्या है, कहता फंक्शन कॉल पुश इट इनटू स्टैक। तो यहां से क्या होगा, मेन यहां था और इसने तुरंत क्या कॉल किया, F4। आगे बढ़े हम, व्हाट इज इट, फंक्शन कॉल अगेन, एंड देयर फोर व्हाट विल डू, F4 into F3 पुश इट F2, 2 into F1 पुश इट, देन 1 into F0 पुश इट। आप देखिए जब आप इधर आए तो आपने क्या किया, इस F0 पर कोई मार्कर लगा रखा था, मार्कर इसलिए कि हो सकता कोई एल्गोरिथम ऐसी हो कि उसमें F0 2, 3, 4 हो। तो किस F0 की बात कर रहे हो, लेट से कि हमने इस पे कोई मार्कर लगा रखा है और हमने पूछा कि ये इस पर्टिकुलर मार्कर वाला F0 क्या इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की लाइफ में क्या फिर से कभी दोबारा अकर होगा। तो आप देख लीजिए ये F0 कभी दोबारा अकर नहीं हो सकता। तो आप क्या कहेंगे कि ये F0 दोबारा अकर नहीं होगा इस प्रोग्राम की लाइफ में, एंड देयर फोर क्या करो, इसका जो भी काम था कराओ और इसको क्या करो, पॉप इट फ्रॉम द स्टैक। जो भी काम था कराओ, इसी का मतलब है पॉप इट। तो कौन काम क्या था, इक्वल टू 0 return 1, ये क्या करेगा, रिटर्न 1 करेगा और ये सब कुछ रिटर्न होकर इसको रिटर्न करेगा क्या, 1, और पॉप हो जाएगा। आगे बढ़ो, आपने यहां, आप यहां पे आए, आपने पूछा कि क्या F1 ये अभी इस प्रोग्राम की लाइफ में कभी दोबारा आएगा, नहीं। तो कहता है पॉप करो, लेकिन पॉप करने से पहले जो इसका काम है वो खत्म करो। तो F1 को 1 रिटर्न होके आया, ओवरऑल रिटर्न क्या किया, इसको 2 रिटर्न किया, और जैसे रिटर्न किया इसका क्या हुआ, ये पॉप हो गया स्टैक से, मींस एट द एंड स्टैक खाली हो जाएगी। देखते हैं क्या हो रहा है, ये आगे गया यहां पर 3 into F2, ये F2 दोबारा कभी नहीं मिलेगा, अपना काम खत्म कराएगा और इसको 6 रिटर्न करेगा और पॉप कर जाएगा। यहां से यहां गए तो 4 into F3, ये अपना काम करवाएगा, काम क्या है इसका, 6, ये इसको 24 रिटर्न करेगा, जैसे 24 रिटर्न करेगा वैसे ही पैरेलल पॉप हो जाएगा। और यहां से हम यहां पहुंचे F4 पे, तो F4 ये क्या करेगा, 24 जिसने इसको कॉल किया, उसको 24 देगा और पॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन चल रहा है। अब हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। यहां से मैं एक कॉन्सेप्ट बोलने जा रहा हूं, ये क्या है, स्टैक है, और ये क्या है, ट्री है। यहां से मैं बोलने जा रहा हूं दो कॉन्सेप्ट हैं, एक बोल रहा हूं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज प्रोपोर्शनल टू हाइट ऑफ ट्री, एक कॉन्सेप्ट मैंने ये बोला, अभी देखना सब पूरा एक्सप्लेन करता हूं। और एक कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी प्रोपोर्शनल हाइट ऑफ स्टैक, SN इज प्रोपोर्शनल टू हाइट ऑफ स्टैक। तो अब देखना ये जो है, ये रूल एक केस को छोड़ करके, एक्सेप्ट वन केस,
works properly. Works properly means correct answer हमेशा देगा, एक केस को छोड़ करके. वो एक केस क्या है वो मैं एंड में इसको करवाऊंगा कि किस जगह पे आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप कैसे भी करो करेक्ट. तो अब देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम कंप्यूट करते हैं. हमने कहा यहाँ हाइट देख लीजिए, आपने n 4 लिया था, हाइट कितनी है 1 2 3 4. हाइट की डेफिनेशन द टोटल नंबर ऑफ एजेस इन द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू लीफ. तो यहाँ पर चार एजेज हैं, आपने n कितना लिया था 4, हाइट कितनी है 4. सपोज करो आप F4 ना लेते, आप F3 लेते, तो आप इतना ढक लो, F3 से निकाल लो, 1 2 3, एन इक्वल टू 3, हाइट इक्वल टू 3. इसका मतलब क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द ट्री. मीन्स आपने कहा S4, यहां से मैं कह सकता हूं S4 इंटू के इंटू क्या 4, ऐसे बोल सकता हूं, हाइट 4 थी और ये इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए कोई कांस्टेंट. तो आप ऐसे बोल सकते हो कि 4 मेमोरी सेल्स लग रही हैं और हर मेमोरी का जो स्पेस है वो कांस्टेंट है. इस तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूं Sn, तो आप कहोगे k इंटू n, और यहां से kn क्या है, k कांस्टेंट है, n वेरिएबल है, लीनियर टर्म है. तो यहां से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, थीटा ऑफ n या बिग ओ n या बिग ओमेगा n, कुछ भी आप इन तीनों में से बोल सकते हैं. तो ये ट्री के मेथड से आपने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाल दी. मीन्स जैसे ही आप इस ट्री बनाते हैं आप बता सकते हैं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी रिकर्सिव एल्गोरिथम की. अब चलो स्टैक मेथड से देख लेते हैं. आप देखो कितनी मेमोरी सेल इस्तेमाल हुई है, 1 2 3 4 5, एन 4 था तो कितनी मेमोरी सेल, कितनी मेमोरी सेल लगी हैं, ये टोटल n इक्वल टू 4 पर 5 मेमोरी सेल्स. अगर सपोज करो कि n इक्वल टू 3 होता तो फिर यहां से स्टार्ट होता, तब कितनी मेमोरी सेल लगती, 4, n प्लस 1, जो भी इनपुट था इनपुट का साइज n, n से प्लस 1. तो अब आप देख लीजिए यहां पर कि अगर मैं Sn बोलूं, Sn में n इक्वल टू 4 के लिए बोलूं तो क्या कहूंगा. अच्छा यहां पर ये देखिए, ये जितनी भी मेमोरी सेल्स हैं इन सबका साइज क्या है, लेट से कांस्टेंट, और ये क्या है, ये सारे के सारे सेल्स इक्वल साइज की हैं, के साइज की इक्वल साइज की है. तो आपने क्या कहा, के इंटू 4 प्लस 1. 4 प्लस 1 क्यों, क्योंकि 5 मेमोरी सेल लगी हैं. तो मैंने ये 4 4 लिखने में मुझे आसानी रहेगी. क्या क्या लिखने में, देखिए Sn इक्वल टू के एन प्लस 1. तो यहां से क्या बोलूंगा, ये फिर से एक लीनियर इक्वेशन आ गई. तो यहां से मैं क्या कंक्लूड करूंगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू थीटा ऑफ एन या बिग ओ एफ एन या बिग ओमेगा एन. तो आप इस तरीके से भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कंप्यूट कर सकते हैं. मींस ये स्टैक का मेथड हो गया और ये ट्री का मेथड हो गया. हाँ ये दोनों मेथड एक जगह आएगी, जब ये वर्क नहीं करेंगे, अगर आप इस तरह से निकालेंगे तो आंसर गलत आएगा. ओके इस केस में कह सकते हैं आंसर गलत नहीं आएगा, लेकिन हाँ मैं एक बार यहां बताऊंगा आपको, यहां पर प्रिकॉशन रखनी है. तो इस तरीके से आपने देखा कि आइटरेटिव एल्गोरिथम में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी, कांस्टेंट, जबकि रिकर्सिव जब एल्गोरिथम आप लिखते हैं फैक्टोरियल का, तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आती है, वो लीनियरली वेरी करने लगती है, मतलब थीटा ऑफ एन या बिग ऑफ एन हो जाती है. अगर आपसे कोई पूछता है कि आइटरेटिव फैक्टोरियल और रिकर्सिव फैक्टोरियल में विच वन इज बेटर, तो सिंस द आइटरेटिव द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आइटरेटिव एल्गोरिथम इज कांस्टेंट एंड टाइम ऑफ बोथ द एल्गोरिथम इज सेम एंड देयरफॉर आइटरेटिव वर्जन ऑफ फैक्टोरियल इज बेटर. नाउ सपोज वी आर कंसिडरिंग सम अदर एग्जाम्पल. हमने क्या कहा कि सपोज करो हमने कंसीडर किया एक दूसरा एग्जांपल, फू इंट एन, यहां पर इफ एन इक्वल टू 0 रिटर्न, एल्स
else हमने क्या कहा, foo n minus 1 और printf n plus 1. सपोज करो कि हमने एल्गोरिथम ये ली और हमसे कोई पूछ रहा है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो मैं यहां पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज की आपको निकाल के दिखा रहा हूं. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट होगी, फिर से वही चीज. आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, n को सपोज करो आपने कहा 3, छोटा n की छोटी वैल्यू लेना, कांस्टेंट के लिए आपको ट्री बना के देखना होगा. आपने लिया n इक्वल टू 3, तो आपका ये फंक्शन क्या बन गया, foo 3, और आप इसको लिख क्या रहे हैं, f3. इसका ट्री बनाते हैं, f3 की कॉल करी तो क्या हुआ, दो बच्चे हैं, बॉडी में सीधे चले जाइए क्योंकि ये n जब 0 होगा तब टर्मिनेट कर जाएगा, तो इसका मतलब बॉडी में अंदर जाना है. तो क्या है, f f2 और p4, f1 और p3, f0 और p2, ये हमने क्या कर दिया, इसका ट्री बना दिया. अगर आप यहीं से डायरेक्टली बोलना चाहते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो 1 2 3, सिंस फॉर n इक्वल टू 3 द हाइट इज 3, फॉर n इक्वल टू 2 द हाइट इज 2, एंड देयरफॉर व्हाट यू कैन कंक्लूड, द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज लीनियरली वेरिंग, एंड देयरफॉर Sn इक्वल टू थीटा ऑफ n या बिग ओ n या बिग ओमेगा n. लेकिन हमें स्टैक भी, वो भी आपको एग्जीक्यूशन दिखाना है और कुछ. तो हमने क्या कहा, इसकी हम ट्रेवर्सिंग करेंगे, स्टैक हमें, स्टैक का हमें यूज सिखाना है आपको. स्टैक का यूज सिखाना है, तो हमने क्या कहा, कॉल क्या हुई होगी, मेन ने कॉल करी होगी क्या, एफ ऑफ थ्री की. यहां पे चलिए, फंक्शन कॉल पुश इट इनटू स्टैक, पुश कर दिया, फंक्शन कॉल पुश इट इनटू स्टैक, फंक्शन कॉल पुश इट इनटू स्टैक, फंक्शन कॉल पुश इट इनटू स्टैक. अब यहां पर आप आएंगे तो पूछिए इससे कि क्या ये पर्टिकुलर एफ जीरो इस प्रोग्राम की लाइफ में कभी दोबारा आकर होगा. आंसर है नो, और इसलिए जो भी इसका काम है वो करके पॉप कर जाए. तो n इक्वल टू 0 पर रिटर्न, कुछ हमने रिटर्न नहीं करवाया है, तो सिंपली ये पॉप हो जाए. यहां से यहां गए, कहता है इफ देयर इज अ फंक्शन कॉल व्हाइल प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग, इफ देयर इज अ फंक्शन कॉल पुश इट इनटू स्टैक, अदरवाइज प्रोसेस इट. तो प्रोसेस इट, ये फंक्शन कॉल नहीं है, तो प्रोसेस इट क्यों, क्योंकि प्रिंटएफ है, तो आउटपुट आएगा 2. आगे बढ़ गए, F1, क्या ये F1 दोबारा कभी आएगा इसके, नहीं, टर्मिनेट कर दीजिए, मतलब पॉप कर दीजिए. अगेन अगेन अदरवाइज मीन्स प्रिंट ऑफ 3, यहां पर पहुंच गए, पॉप कर दीजिए. 4 यहां पहुंचे, क्या ये पर्टिकुलर F3 इस प्रोग्राम के लाइफ टाइम में कभी आएगा, नहीं आएगा, एंड देयरफॉर पॉप इट. तो इस तरीके से स्टैक में एग्जीक्यूशन रिकर्सिव कोड का हो रहा है और आउटपुट ये आ रहा है. अब अगर कोई पूछता है, अगर कोई पूछता है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसी में निकाल के दिखा दी जाए, तो देखो कैसे लिखेंगे. तो हमने कहा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज प्रोपोर्शनल टू हाइट ऑफ ट्री, और यहां पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज प्रोपोर्शनल टू हाइट ऑफ स्टैक. देखते हैं इसको, अब क्या कह रहे हैं, Sn, n क्या 4 है, s 4 पर हाइट देखिए कितनी है, 1, s 4 नहीं s 3 है, 1 2 3, हाइट 3 है. अगर n 2 होता तो सिर्फ इतना ट्री होता है यहां से इधर का, तो हाइट 2 होती, तो इसका मतलब है k इंटू 3. ये k क्या है, k क्या है, साइज ऑफ वन मेमोरी सेल, और कितनी सेल लग रही हैं, 3 मेमोरी सेल्स. ओके, तो क्या कहेंगे, अगर मैं इसको कहूं Sn n के लिए बताओ, तो आप क्या कहोगे, k इंटू n, k कांस्टेंट है एंड n वेरिएबल है, तो यहां से क्या बोलेंगे, थीटा ऑफ n,
और बिग ऑफ एन और बिग ओमेगा एन, इस तरीके से क्या कह लो कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकल जाएगी कि थीटा ऑफ एन इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर आप इससे निकालना चाहते हैं तो देख लीजिए 1, 2, 3, 4 फॉर एन इक्वल टू 3, 4 मेमोरी सेल लग रही है। अगर आप 2 रखते तब भी एक बढ़ के आती, अगर सपोज करो आप 2 रखते तो यहाँ से कौन सी होती है, पहली वाली सेल नहीं होती, 3 मेमोरी सेल तब भी एन इक्वल टू 2 के लिए। इसका मतलब मैं क्या लिखूँगा, S3 इक्वल टू के इन के और यहाँ से क्या 3+1 मीन्स अगर Sn लिखूँ तो क्या लिखूँगा Kn+1, यहाँ से Kn+k वेयर k इज कॉन्स्टेंट मीन्स अ लीनियर इक्वेशन एंड देयर फोर द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड अगेन बी स्टिल वुड अगेन बी इक्वल टू थीटा ऑफ एन और बिग ऑफ एन और बिग ओमेगा एन। तो इस तरीके से भी दोनों तरीके से आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। और ये था हाउ एक्चुअली अ प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट इन मेन मेमोरी यूजिंग दिस स्टैक, मीन्स इफ इट इज अ रिकर्सिव एल्गोरिथम देन इट विल यूज द स्टैक। नाउ सपोज करो कि हम क्या करते हैं, एक तीसरा प्रोग्राम लेते हैं, हमने ये कर दिया, सपोज करो हमने इस तरह से कर दिया, तो अब यहां से हम एक बात डिसाइड कर सकते हैं, हम एक बात डिसाइड कर सकते हैं कि क्या इस क्वेश्चन के पहले, इसी क्वेश्चन में जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसी में एक सवाल कि क्या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स, क्या क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मींस जो क्या टोटल नंबर ऑफ जो रिकर्सिव कॉल्स हैं इस पर डिपेंड कर रही है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसके लिए हम ये क्वेश्चन देखते हैं, ये नेक्स्ट वाला कि क्या टाइम सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या डिपेंड कर रही है टोटल नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स पे, ये इस वाले सवाल में हम इसको हैंडल करेंगे। तो हमने क्या कहा, सपोज करो कि हमने कहा कि फॉर एन इक्वल टू 3 हम इसमें भी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, एन इक्वल टू 3 तो हमने कहा ये क्या हो गया फू 3 और इसको हम बोलेंगे क्या एफ ऑफ 3, तो एफ ऑफ 3 की ये कॉल हुई, क्या बनेगा बॉडी में 3 वो चीज़ें हैं तो 3 के लिए हम 3 चिल्ड्रन बनाएंगे, एफ ऑफ क्या 2, पी ऑफ 4 एंड एफ ऑफ 2, यहाँ पर भी 3, एफ ऑफ 1, पी ऑफ 3, एफ ऑफ 1, यहाँ पर एफ ऑफ 1, पी ऑफ 3 एंड देन एफ ऑफ 1, यहाँ पर भी 3, एफ ऑफ 0, पी ऑफ 2, एफ ऑफ 0, यहाँ पर एफ ऑफ 0, पी ऑफ 2 एंड देन एफ ऑफ 0, इस तरीके से आप इधर भी एक्सपैंड कर दीजिए, इधर भी एक्सपैंड कर दीजिए। अब हम एग्जीक्यूशन देखने जा रहे हैं, वैसे तो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, ट्री बना हुआ है, ट्री की हाइट देखिए 1, 2, 3 और एन इक्वल टू क्या था 3, सपोज करो आप कह रहे हो एन इक्वल टू 2 था तो फिर आपका इधर का फोटो नहीं होता, ये ट्री नहीं होता, सिर्फ ये नीचे का होता, हाइट कितनी है 1, 2 हाइट है, अगर 2 हाइट है तो आप यहीं से डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि सिंस एन इक्वल टू 2 द हाइट इज 2, एन इक्वल टू 3 द हाइट इज 3, इट मीन्स कि जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है लीनियरली वेरी कर रही है, एन इक्वल टू 50 तो हाइट 50 है, एन इक्वल टू 100 तो हाइट 100 है, इसका मतलब लीनियरली वेरी कर रही है। तो हमने क्या कहा कि इसमें जरा कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि कैसे क्या है, तो एक तो यहां से खैर ये ट्री मेथड का तो मैं यहीं से लिख लेता हूं क्या हाइट ऑफ ट्री, लेकिन इससे भी पहले काम करते हैं इस स्टैक का एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, स्टैक अब की बार थोड़ी ऐसी बनाएंगे, नीट पड़ेगी इसकी, देखते हैं क्या हो रहा है। आपने क्या किया, आपको प्री ऑर्डर ट्रेवर्सिंग करनी है, अगर फंक्शन कॉल आएगी, अगर फंक्शन कॉल आएगी तो उसको पुश करना है, अदरवाइज प्रोसेस करना है,
तो हमने कहा शुरू करते हैं, यहाँ पे क्या कॉल थी, मेन, और उसने कॉल क्या किया था, एफ ऑफ थ्री, मतलब ये वाला सिनेरियो। एफ थ्री फंक्शन कॉल पुशेड पुश है, यहाँ पर आए फंक्शन कॉल पुशेड, फंक्शन कॉल पुशेड, फंक्शन कॉल पुशेड। अब जब यहाँ आप आते हैं इधर, देखो मैंने कहा था कि हो सकता है कि कोई प्रोग्राम ऐसा हो कि उसमें एफ जीरो आपको कई मिले, जैसे देखिए एफ जीरो एफ जीरो एफ जीरो एफ जीरो और इधर भी एफ जीरो, कई एफ जीरो, तो उस केस में आपको क्या करना है, मार्कर लगा के रखना है। जैसे एफ जीरो है, इस पर मैंने मार्कर लगा दिया कि ये एफ जीरो और ये एफ जीरो, ये एफ जीरो इन तीनों एफ जीरो से अलग है और ये एफ जीरो इस प्रोग्राम की लाइफ में अभी कभी दोबारा नहीं आएगा। तो कहता जैसे ही यहाँ से आप निकल के ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पर पूछे कि क्या ये एफ जीरो इस प्रोग्राम की लाइफ में कभी दोबारा आएगा, तो कहता नहीं आएगा। तो कहता जो भी इसका काम था खत्म करिए और इसको पॉप कर दीजिए। इसके बाद मैं इधर आया तो इसने क्या कहा, प्रोसेस करिए, फंक्शन कॉल नहीं है, पी टू प्रिंट एफ टू, तो हमने कहा इसको आउटपुट में लिख लेते हैं टू। आगे बढ़े, अगेन फंक्शन कॉल, अगेन फंक्शन कॉल, तो कहता पुश इट इनटू स्टैक, कौन सा खाना खाली है, यही सबसे टॉप का सेल खाली है, तो वहाँ इसको पुश कर दिया। यहाँ पर पहुँचे, पूछा कि क्या ये एफ जीरो इस प्रोग्राम की लाइफ में कभी दोबारा आकर होगा, आंसर है नो एंड देयर फोर पॉप इट। नाउ आप कहाँ गए, यहाँ पहुँचे, आपने कहा एफ वन, एफ वन क्या ये एफ वन कभी इस प्रोग्राम की लाइफ में दोबारा आएगा, नहीं, पॉप इट। लेकिन ये पॉप करने से पहले, पॉप का मतलब उसके पैरेलल वो अपना काम जो भी इसको दिया गया था टर्मिनेट करने से पहले, जैसे यार रिटर्न कुछ करवाना होता या और कुछ लिखा होता तो वो काम करवा के पॉप कर जाता। यहाँ पर आइए, क्या कह रहा है, प्रिंट एफ थ्री मीन्स थ्री प्रोसेस करा दिया। यहाँ पर आइए इधर, एफ वन पुश कीजिए, ये सेल एम्प्टी है तो उसी सेल में एफ टू के ऊपर डाल दिया। यहाँ पहुँचे एफ जीरो, अगेन फंक्शन कॉल पुश इट पुश इट, और यहाँ पहुँचे, क्या ये कभी दोबारा आएगा, नहीं, पॉप इट। ये यहाँ पहुँचे प्रिंट एफ एंड देन फंक्शन कॉल पुश इट पुश इट, यहाँ पर कभी दोबारा नहीं आएगा पॉप इट, कभी एफ वन दोबारा नहीं आएगा पॉप इट, ये यहाँ पर कभी दोबारा नहीं आएगा पॉप इट। नाउ फंक्शन अगेन अदर थिंग अदर देन फंक्शन कॉल एंड देयरफॉर प्रोसेस इट, तो इसको हमने प्रोसेस कर दिया। और प्रोसेस करने के बाद हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ एफ टू पे पहुँच गए, तो क्या कहता फिर से, एफ टू पुश कर दिया। अब आप देख लीजिए, इधर का ट्री मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि सिमिट्री थी, सिमिट्री का मतलब एफ टू एफ टू एफ वन पी थ्री एफ वन एफ वन पी थ्री एफ वन, ये जो जी कॉल का ऑर्डर है बिल्कुल वही डिक्टो वही रहेगा। अगर आप देख लीजिए, अगर फर्स्ट हाफ ट्री को ट्रवर्स कराने में सिर्फ फोर मेमोरी सेल्स लगी हैं तो आपको रिमेनिंग ट्री को भी एग्जीक्यूट कराने में इस चार मेमोरी सेल में ही एग्जीक्यूशन हो जाएगा। यहां से हम क्या बोलने जा रहे हैं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज प्रोपोर्शनल टू, अगर मैं कह रहा हूं कि हाइट ऑफ ट्री, तो यहां से हाइट कितनी है, तीन, मतलब एस एन इक्वल टू डायरेक्टली क्या के डॉट एन, और यहां से थीटा ऑफ एन, बिग ऑफ एन और बिग ओमेगा एन। एंड नाउ लेट अस वी आर कंप्यूटिंग द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूजिंग दिस स्टैक, तो क्या होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ स्टैक, और यहां से एस एन इक्वल टू, यहां पर देखिए फोर मेमोरी सेल्स फॉर एन इक्वल टू थ्री, तो मैं क्या बोलूंगा के इंटू एन प्लस वन, और ये क्या है, ये है एक लीनियर इक्वेशन के एन प्लस के क्या है, एक कांस्टेंट है। तो अगर इस तरीके से भी निकालते हैं यू विल गेट द सेम कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज थीटा ऑफ एन बिग ऑफ एन एंड बिग ओमेगा एन। नाउ अब हम वो केस करने जा रहे हैं जिसमें हम ये प्रूफ करेंगे कि अगर आप ट्री के मेथड से निकालेंगे
तो जैसे आप बोलते हैं कि एस एन प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द ट्री, तो ये आंसर रॉन्ग आएगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का. जबकि अगर आप स्टैक के मेथड से बोलते हैं तो हाइट आपको कैलकुलेट करने का तरीका, ये बोलने का तरीका बदलना पड़ेगा. जैसे कि आप अभी क्या बोल रहे हो, एक मेमोरी सेल को एक हाइट बोल रहे हो, दो मेमोरी सेल को टू, ये इतना टू हाइट है, ये थ्री हाइट है, ये फोर हाइट है, आप ऐसे बोल रहे हो. अगर ऐसे बोलते हो तो ये भी गलत रहेगा. लेकिन अगर आप बोलते हो कि एस एन प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द स्टैक, तो हाइट को हम कैसे कंप्यूट करेंगे, अगर हम इस तरह के टर्म के प्रोपोर्शनल बोलते हैं तो वो करेक्ट आएगा. देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं, देन इट विल बी क्लियर टू यू. नाउ लेट्स से वी हैव एन एग्जाम्पल, फू इंट एन इंट ए एन, इफ एन इक्वल टू जीरो रिटर्न, एल्स एल्स फू एन माइनस वन. सपोज ये कोड है आपका और आपको किसी ने कहा क्या करना है, हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कंप्यूट करनी है. तो हमने जैसा कि सीखा ट्री मेथड से और स्टैक मेथड से, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, फॉर सम कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ एन हमने क्या कहा कि एन इक्वल टू, सपोज करो आप क्या कह रहे हो, थ्री है, एन इक्वल टू थ्री है, तो आपने कहा एन इक्वल टू थ्री के लिए फू थ्री की कॉल होगी, फू थ्री की, एन इक्वल टू फोर कर लेते हैं, फू फोर की कॉल होगी और इसी को हम क्या बोलेंगे, एफ फोर. एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो क्या होगा, एफ फोर एफ थ्री एफ टू एंड देन एफ वन एंड देन एफ जीरो. अगर आप यहां से देखें, अगर आप यहां से देखें तो क्या हो रहा है, वन टू थ्री फोर, फॉर एन इक्वल टू फोर द हाइट इज फोर, एंड देयर फोर आप क्या कहोगे, आप कहोगे एस एन इज प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ ट्री. तो एस एन इक्वल टू यहां से के इंटू एन इक्वल टू आप क्या कर रहे हो, थीटा एन बिग ओमेगा एन और बिग ओ एन. ये कॉन्सेप्ट ये कैलकुलेट कर रहा है. एक काम करते हैं, स्टैक के एग्जीक्यूशन को एक बार देख लेते हैं कि क्या इसमें से कंप्यूट होके आएगा. तो हमने कहा कि सपोज करो हमारी स्टैक ये है, हमने कहा हमारी स्टैक ये है, तो ट्रैवर्स करते हैं हिस्ट्री को, ट्रैवर्स करते हैं हिस्ट्री को. तो हमने कहा ये इस तरह पे ट्रैवर्सिंग स्टार्ट हो रही है, तो मेन इसने कॉल करी है फोर की, तो ये फोर आकर हुआ है तो इसको हमने पुश कर दिया है. इसके बाद क्या हुआ है, एफ थ्री. लेकिन एक चीज़ और आप देख लिए, जिस समय एफ फोर की कॉल हो रही है उस समय क्या हो रहा है, ए फोर साइज की एरे भी क्या हो रही है, ए फोर साइज की एरे भी बन रही है. इसका मतलब फोर मेमोरी सेल्स की एक एरे यहाँ पर बन रही है. अब ये मेमोरी यहाँ भी हो सकती है या कहीं और भी इतनी स्पेस एक्वायर कर सकता है, ये डिपेंड करेगा कि आपने ये मेमोरी कैसे मतलब कैसे आप यूज करना चाह रहे हैं, डायनामिक है, हीप में जाएगी, कहाँ जाएगी, तो ये चीज़ आप इसमें देख के वो रहेगा. यहाँ पर मैंने कहा ये क्या है, ये थ्री मेमोरी सेल्स यहाँ पर आ रही हैं. इसके बाद अगर आप देखें तो F2 पे जा रहा है, मीन्स A2 यहाँ पर जा रहा है. अगर यहाँ से आप यहाँ आएँ तो ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, F1. तो यहाँ से F1 की कॉल हुई, ये क्या हुआ, A1 ये कॉल हुआ. इसके बाद यहाँ पे ये आया तो F0 की ये कॉल हुई और इतना ही स्पेस A0 यहाँ पर बन गया. इसके बाद जब इधर ये गया तो इसने कहा पॉप, ये इधर गया पॉप, ये इधर गया पॉप, ये इधर गया पॉप, यहाँ पहुँचा पॉप, एंड अल्टीमेटली ये स्टैक का हमें दिख रहा है कि इस तरह से स्टैक भरी हुई है. अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ चार मेमोरी सेल, यहाँ तीन, यहाँ दो, यहाँ एक, यहाँ जीरो. हम अब की बार ये कह सकते हैं कि साइज ऑफ ईच मेमोरी सेल इज नॉट सेम. क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ मैंने दिखा दी. तो अब आप क्या कह रहे हो,
आपने कहा SN इक्वल टू क्या N, अगर ये सपोज करो AN, N की कॉल होती तो ये AN होता, ये AN माइनस वन होता, AN माइनस टू होता, AN माइनस थ्री होता, तो क्या बोलोगे N माइनस वन प्लस N माइनस टू प्लस N माइनस थ्री प्लस कितना प्लस थ्री टू प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन, ये होता। और ये क्या है सम ऑफ फर्स्ट N नेचुरल नंबर्स, तो ये है N N प्लस वन डिवाइड बाई टू। मीन्स जो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है दिस टाइम इज इक्वल टू थीटा ऑफ एन स्क्वायर और बिग ओमेगा एन स्क्वायर और बिग ओ एन स्क्वायर, ये है। मीन्स ये गलत है। मीन्स अगर ट्री के मेथड से आप निकालते हैं, हाँ यहां अभी आप कह सकते हैं क्या SN इज प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ स्टैक, SN इज प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ स्टैक या SN इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, तो मीन्स एन स्क्वायर क्या है, एन स्क्वायर इज द हाइट ऑफ दिस स्टैक, तो ये अभी भी करेक्ट है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि SN इज प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ ट्री। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है। नाउ वन लास्ट क्वेश्चन दैट इज होमवर्क। होमवर्क होमवर्क क्या है, यू हैव टू फाइंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज। सपोज मैं लिख रहा हूं कोड FIB इंट n इफ n इक्वल टू जीरो, इफ n इक्वल टू जीरो रिटर्न जीरो, एल्स इफ n इक्वल टू वन रिटर्न वन, एल्स रिटर्न FIB n माइनस वन प्लस FIB n माइनस टू। और इस तरीके से ये कोड मैंने लिख दिया है, ये क्या है फिबोनाची सीरीज के nth टर्म को फाइंड करने का कोड है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द दिस एल्गोरिथम। एंड द सेकेंड क्वेश्चन यू हैव टू आंसर क्या जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है दैट डिपेंड्स ऑन टोटल नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स। क्या इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टोटल नंबर ऑफ जो रिकर्सिव कॉल है उन पर डिपेंड करती है, आपको यह भी आंसर करना है।